हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र MR स्टडी में। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आज आप लोगों के बीच वर्तमान में कौन क्या है ये अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि जून अपडेट है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ गया है, तो एक नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और 15वीं है। और इससे पहले कौन राष्ट्रपति था ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो इनका उम्र कितना होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। और कितने साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? तो 5 साल का होता है। और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को अथी कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो 2 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आने दीजिए, जगदीप धनगढ़ 14वें हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनगढ़, जो कि 14वें हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को वो 35 वर्ष के कार 35 वर्ष की एज में खड़े होते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, जो कि आप लोग जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर S. जयशंकर। 5 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। छठा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। 7वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी है, जो कि 17वीं है। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष है। 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। वर्तमान में भारत की रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। 10 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। 12 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है। 13 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मणिक राव खानविलकर, अजय मणिक राव खानविलकर है लोकपाल के अध्यक्ष। 15 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। 16 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। 17 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी है। 18 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है, जो कि 50वें है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? यानी महान्यायवादी कौन है? तो R. वेंकटरमणी है। 20 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्ति
कौन है? तो राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो जानते होंगे हीरालाल सामरिया है। 25 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो वर्तमान में नीति आयोग के 26 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन केवेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन केवेरी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीआर सुमरायनम। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन है? तो हितेश कुमार मकवाना है। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।